हेलो एवरीवन, आज हम रिलेशंस को कवर करेंगे। और पिछली क्लास में मैंने आपसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट डिस्कस किया था, तो उसमें मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि ऑर्डर्ड पेयर डिस्कस कर रहा था। तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाया था कि हमने कोई भी दो सेट ले लिए थे। सेट ए ले लिया था, मान लीजिएगा यहाँ पर सेट ए ले लिया था, उसमें मान लीजिए कोई एलिमेंट लिख लिए थे, और सपोज दैट कि मैंने लिख लिया था 1, 2 लिख लिया था। सेट बी लिया था, उसमें मैंने कोई भी एक एलिमेंट मान लीजिएगा ए और बी ले लिए थे, और मैंने आपसे कहा था कि ए क्रॉस बी करें। तो आपने ए क्रॉस बी कैसे रिलेट किए थे? देखिए, आपने क्या बनाए थे, पेयर्स बनाए थे, 1 का ए के साथ में रिलेशन, ठीक है, मतलब 1 का ए के साथ में रिलेट किया, 1 को बी के साथ में, ठीक है, लिया, फिर 2 को ए के साथ में लिया और 2 को बी के साथ में लिया, ठीक है। तो इसी तरह से हम रिलेशन को समझेंगे कि कैसे रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो कंसीडर दो टू सेट्स, हमने यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर डिस्कस किए थे। तो हमने क्या कहा था कि पहला वाला एलिमेंट पहले वाले सेट में बिलोंग करेगा, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले सेट में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो रिलेशन में भी सेम यही चीज है, बस हम इसको समझते हैं कि कैसे हम इसको शो करते हैं, ठीक है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा वो अभी हम सब जानेंगे क्या होगा। तो कंसिडर द टू सेट्स पी ए कॉमा बी कॉमा सी एंड क्यू इज इक्वल्स टू, एक सेट लिया है अली, भानु, विनोय, चंद्र, दिव्या, ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स हैं और पी में 3 एलिमेंट्स हैं। सो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू हैज 15 ऑर्डर्ड पेयर्स विच कैन बी लिस्टेड पी क्रॉस क्यू इक्वल्स टू ए कॉमा अली कॉमा ए कॉमा भानु ए कॉमा विनोय डॉट डॉट डॉट, और आखिरी ऑर्डर पेयर बनेगा सी कॉमा दिव्या। इस तरह से 15 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, ठीक है। चलिए अब एक चीज समझिएगा कि वी कैन नाउ ऑब्टेन अ सबसेट ऑफ पी क्रॉस क्यू बाय इंट्रोड्यूसिंग अ रिलेशन आर। जो रिलेशन आर होगा वो पी क्रॉस क्यू का ही सबसेट बनेगा, ठीक है। आपको एक रिलेशन दिया जाएगा कि पी और क्यू के बीच में किस तरह का आपको एक रिलेशन बता देगा, लेकिन जो P क्रॉस Q होगा वो ठीक है, उसका सबसेट होगा R, मतलब R जो है वो P क्रॉस Q का सबसेट होगा, ये पक्की बात है, ठीक है। सो इंट्रोड्यूसिंग अ रिलेशन R बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट X एंड द सेकेंड एलिमेंट Y ऑफ ईच ऑर्डर पर X कॉमा Y। देखिए कैसे X कॉमा Y, द रिलेशन R इज इक्वल्स टू X कॉमा Y सच दैट X इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, ठीक है, Y, एंड X बिलोंग्स टू P एंड Y बिलोंग, ठीक है, जो अभी यहां पर हुआ था। तो हम कह सकते हैं क्या, देन आर इज इक्वल टू, एक हमने कुछ भी कुछ ऑर्डर पेयर्स ले लिए, जैसे ए कॉमा अली, बी कॉमा भानु, बी कॉमा बिनॉय एंड सी कॉमा चंद, ये हमने कुछ ऑर्डर पेयर ले लिए। तो ये जो सारे ऑर्डर पेयर्स हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्डर पेयर्स हमने जो लिए हैं, यानी कि वो किसके सबसेट हैं, पी क्रॉस क्यू के सबसेट हैं, क्लियर। अब अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं। देखिए ये ए जो है वो किससे रिलेट किया था, भानु से रिलेट किया है, ठीक है, ए जो है भानु से रिलेट किया है। फिर बी जो है, बी का संबंध भानु से और बिनोय, इन दोनों से किया हुआ है, ठीक है। फिर सी को चंद्र से रिलेट किया हुआ है। तो ये जो है इसका एरो डायग्राम के द्वारा क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। आप 3 तरह से रिलेशन को दिखा सकते हैं। नंबर 1, सेट बिल्डर फॉर्म। नंबर 2, रोस्टर फॉर्म, ठीक है, और नंबर 3, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, यानी हम बोलते हैं विद एरो डायग्राम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, एरो डायग्राम, क्लियर। चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं और उसके बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे, राइट। चलिए अब अपन रिलेशन की डेफिनेशन को समझते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं आपसे, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए, ठीक है, टू
अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, क्लियर। द सबसेट इज डेराइव, यानी कि हम कह सकते हैं रिलेशन आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्लियर। रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये बात बोली है उन्होंने, क्लियर। द सबसेट इज डेराइव बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स ए क्रॉस बी, यानी द सेकंड, नेक्स्ट बात क्या है, द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, क्लियर। चलिए मैं आपको थोड़ा सा रिवर्स ले जाता हूं, हम जो ये वाला एलिमेंट देख रहे हैं, यानी ये है फर्स्ट सेट, ठीक है, और ये है सेकेंड सेट, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट सेट में कुछ एलिमेंट लिखे हैं ए बी सी, और सेकेंड सेट में लिखे हुए हैं, तो ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले के लिए क्या है, इमेज है, क्या है, इमेज है, ठीक है। यानी ये वाले सेट क्या है, इमेज किसके, फर्स्ट वाले सेट के, ठीक है, जो उन्होंने बात बोली, क्लियर। चलिए अब अगली बात क्या समझें, अगली बात क्या है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द रिलेशन आर, ठीक है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, डोमेन है, क्या है, डोमेन है, ठीक है। और दूसरे वाले जो होंगे वो ये वाले तरह, इस वाले सेट के एलिमेंट्स क्या हैं, ये हैं रेंज, जो किससे एसोसिएटेड है, डोमेन के एलिमेंट से। और ये पूरा होल सेट, पूरा होल सेट, इसको बोलते हैं कोडोमेन, क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं, क्लियर। देखिए द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन आर, द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो है रेंज सबसेट होती है किसकी, कोडोमेन की, कोडोमेन की, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट बात क्या थी, अभी हमने आपसे डिस्कस किया कि रिलेशन में भी रिप्रेजेंटेड अल्फाबेट एलजेब्रिकली इधर बाय या रोस्टर मेथड और बाय द सेट बिल्डर मेथड। नेक्स्ट बात क्या है, एन एरो डायग्राम इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन आर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन से हम इसको समझते हैं, अभी मैं आपको डोमेन भी बताऊंगा, कोडोमेन भी बताऊंगा, रेंज भी बताऊंगा, ठीक है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, एक एग्जांपल से हम समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, ठीक है, और आपको एक रिलेशन आर दिया गया है एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। अब देखिए समझने की बात यहां पर यह है, मेन बात कि आपसे कहा गया ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए में आपको कितने एलिमेंट, देखिए यहां पर कितने, 1 2 3 4 5 6, यानी कितने, 36 मिलेंगे। यानी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि आपको मिलेगा 1, 1, आपको मिलेगा 1, 2, आपको मिलेगा 1, 3, डॉट 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 डॉट, यहां पर आखिरी में आपको क्या मिलेगा, 6, 4, ठीक है, 6, 5, और क्या मिलेगा, 6, 6, ठीक है, 6, 5, 6, यानी कितने मिलेंगे, टोटल 36 ऑर्डर्ड पेयर होंगे, कितने होंगे, 36। अब उसमें से हमने क्या उठाया है, एक रिलेशन दिया एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है, मतलब आप x की वैल्यू रखते जाएंगे y अपने आप निकलता चला जाएगा, ठीक है। चलिए
देखिए आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखिएगा, मैंने आपके लिए विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाया है। आपने x1 दिया, x1 दिया तो किससे रिलेट हुआ, ये 2 से रिलेट हुआ, 2 दिया तो 3 से रिलेट हुआ, 3 दिया तो 4 से रिलेट हुआ, 4 दिया तो 6 से रिलेट हुआ, ठीक है, और 5 दिया तो 6 से रिलेट। लेकिन आप 6 नहीं रख सकते, आप 6 नहीं रख सकते, क्योंकि 6 रखेंगे तो यहां पर 7 होना चाहिए जो कि यहां पर नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर में मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है। तो अब ये तो हमने रिलेशन बनाया किसके द्वारा, बाय एरो डायग्राम, बाय एरो डायग्राम, ठीक है। आप चाहें तो इसको किस तरह से बना सकते हैं, देखिए ये जो इस रिलेशन का लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म, क्या लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है। आप इसका रोस्टर फॉर्म भी बना सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में क्या होगा इसका रिलेशन, देखिए क्या होगा, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, ठीक है। कितने एलिमेंट्स, कितने कितने ऑर्डर पर बने, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो देखिए आप 5 एरो डायग्राम देख रहे होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, राइट। अब इंपॉर्टेंट बात, यहां वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं डोमेन, क्या बोलते हैं, डोमेन, क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। और यहां के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, यानी टोटल, टोटल की बात कर रहा हूं मैं, इसको पूरे को क्या बोलते हैं, कोडोमेन, ठीक है। और जो एलिमेंट एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यानी जो ये पूरे ये जो एलिमेंट्स हैं यहां से लेके यहां तक इनको बोलेंगे हम रेंज, जबकि ये होल सेट यानी ये पूरे की बात कर रहे हैं, पूरे एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, कोडोमेन कहलाते हैं, क्लियर। चलिए अब मैं आपको एलिमेंट्स भी बताऊंगा, डोमेन के अंदर क्या एलिमेंट आएंगे और रेंज के अंदर क्या एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं, और देखिए डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, मैं अलग लिख लेता हूं उसको, डोमेन क्या है, डोमेन बराबर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, या आपने यहां से भी देख के लिख सकते हो 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। और रेंज क्या होगा, देखिए पहला वाला एलिमेंट क्या है, डोमेन है, पहला वाला क्या है, डोमेन है, दूसरा वाला क्या है, रेंज है, पहला वाला क्या है, डोमेन है, दूसरा वाला क्या है, रेंज है, डोमेन रेंज, डोमेन रेंज, ठीक है। तो आप रेंज भी इजीली लिख पाएंगे, क्या होगा, 2, 3, 4, 5, 6। कोडोमेन क्या है, अब देखिए कोडोमेन आप बता सकते हैं, कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन जो है वो पूरा होल सेट है, वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि आपने ऑपरेशन किसके ऊपर किया था, आपने ऑपरेशन किसके ऊपर किया था, ए क्रॉस ए। तो ये पहला वाला हो गया डोमेन, पहला वाला सेट हो गया डोमेन, दूसरा वाला सेट हो गया को डोमेन, ठीक है। तो जितने भी होंगे एलिमेंट्स वो कोडोमेन के अंदर आएंगे। अब मुझे लगता है कि आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज समझ में आ गया होगा। तो यहां पर हमने अभी एक और बात देखी, देखिए रेंज आपसे कहा गया था क्या, कि रेंज सबसेट है, रेंज सबसेट है किसका, कोडोमेन का। तो आप देख पा रहे हैं रेंज जो है वो सबसेट है किसका, रेंज जो है वो सबसेट किसका है, कोडोमेन का, किसका सबसेट है, कोडोमेन का, क्योंकि यहां पर देखिए 2, 3, 4, 5, 6, यहां पर भी 2, 3, 4, 5, 6। तो ये बात आपने डेफिनेशन से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन और देख लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये जो डायग्राम है शोज अ रिलेशन बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू, एक पी और क्यू सेट के बीच में एक रिलेशन शो हो रहा है, राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड इन रोस्टर फॉर्म, सो व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। मतलब आपको पी सेट और क्यू सेट के बीच में जो रिलेशन आपको दिया गया है उसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिलेशन क्या है।
तो रिलेशन देखिए आपको यहां से समझ में आ रहा होगा, अगर हम पी क्रॉस क्यू लिखेंगे तो एक्स इज द स्क्वायर ऑफ वाई। मान लीजिएगा यहां के एलिमेंट्स को हम कहें एक्स और यहां के एलिमेंट्स को हम कहें वाई, तो एक्स इज स्क्वायर ऑफ वाई। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए फर्स्ट वाले को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे रिलेशन को, आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई एक ऑर्डर पे लिखेंगे सच दैट एक्स इज द स्क्वायर, एक्स इज द स्क्वायर ऑफ वाई, एक्स इज द स्क्वायर ऑफ वाई कॉमा एक्स इज बिलोंग पी। ठीक है, और वाई जो है वो किस में बिलोंग करेगा, क्यू में बिलोंग करेगा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, P में बिलोंग कर रहा है, जबकि y किस में बिलोंग कर रहा है, q में बिलोंग कर रहा है। मतलब x जो है यानी जो ये है वो किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, y का, यानी इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे जो रिलेशन आपको एरो डायग्राम के द्वारा 9 किस किसका स्क्वायर है, 3 का है और किसका है, किसका है, -3 का। इस तरह से 4 किसका है, 2 का है और -2 का। इसी तरह से 25 किसका है, 5 का है और -5 का है। ठीक है, ये तो हो गया सेल बिल्डर फॉर्म में। अब देखिए रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में आप जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x कॉमा वाई अलग अलग एलिमेंट लिखने होंगे आपको, तो आप लिख सकते हैं 9.3। ठीक है, फिर 9.-3, फिर 4.2, फिर 4.-2, फिर 25.5 और 25.-5। ठीक है, ये हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब हम बताएंगे इसकी डोमेन क्या है। तो देखिए ये वाला जो सेट है वो आपको पता है डोमेन का है, ये वाला सेट क्या है, डोमेन का है, और ये वाला पूरा सेट क्या है, कोडोमेन का है। ठीक है, अब उसमें से रेंज और डोमेन आपको बतानी है। तो देखिए पहला वाला एलिमेंट, दूसरा वाला एलिमेंट और तीसरा वाला, तीनों क्या आएंगे डोमेन के अंदर, तो हम डोमेन लिख देते हैं। डोमेन क्या है, देखिए यहाँ पर डोमेन आप रोस्टर फॉर्म में अगर आपने लिख दिया है तो डोमेन आप यहाँ से लिख के ले सकते हैं, ये डोमेन है, तो 9, 4 और 25, ये डोमेन हो गया। रेंज क्या होगा, देखिए रेंज क्या होगा, रेंज होगा क्या, देखिए 3, -3, 2, -2, 5 और -5, तो ये रेंज हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो -2, 2, -3, 3, ठीक है, -5 और +5, ये रेंज हो गया। अब चूंकि यहाँ पर सारे एलिमेंट लगभग है ना, अब देखिए यहाँ पर कोडोमेन अगर हम बताएं कोडोमेन क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं इस वाले डायग्राम में। देखिए यहाँ पर एक एलिमेंट जो 1 है वो किसी से एसोसिएट नहीं है, तो यहाँ पर वो भी आएगा। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 5, 3, 2, 1, -2, -3 और -5, ये हो गया कोडोमेन। फिर इसमें आप फिर से देख सकते हो कि रेंज जो है वो सबसेट है किसकी, कोडोमेन की। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हमने जाना। फिगर आपको बना है तो उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एरो डायग्राम के द्वारा कैसे दिखाएंगे वो देख लिया हमने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए एक नोट समझिएगा, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इफ अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए दिए गए पी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इक्वल्स टू क्यू, देन एन ए क्रॉस बी बराबर आपको नंबर ऑफ, तो क्या मिलेगा, पी क्यू मिलेगा, देन द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या मिलेगा, 2 की पावर में पी क्यू, पी क्यू की पावर पी क्यू।
अगर आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बताने होंगे सेट ए टू सेट बी में, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा, अब देखो सेट ए टू सेट बी में तो क्या होगा, पॉसिबल सबसेट ए क्रॉस बी के, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इक्वल्स टू पी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी इक्वल्स टू क्यू, तो आप क्या बोलते हो टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने मिलते हैं पी क्यू, तो आप टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या बता पाओगे टू की पावर पी क्यू। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आपको ए कितना दिया गया है टू दिए गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको बी कितने दिए गए टू दिए गए। अब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर ए क्रॉस बी के निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे फोर। अब आपसे क्या पूछा गया नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस क्या, नंबर ऑफ रिलेशंस ए टू बी क्या होंगे टू की पावर पी क्यू बोला था, ये पी पी है और ये क्यू है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा टू क्रॉस टू यानी फोर, तो टू की पावर फोर यानी सिक्सटीन। सपोज दैट कि मान लीजिएगा आपसे कहा जाए, आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में आपको दिए गए थ्री और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको बी में दिए जाए फोर, तो आपसे कहा जाए एक, तो ये ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा ट्वेल्व हो जाएगा। आपसे कहा जाए नंबर ऑफ रिलेशंस, आपसे कहा जाए नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस ए टू बी कितने हो जाएंगे, तो टू की पावर पी क्यू होता है। ठीक है, ये मान लीजिएगा पी दिया है और ये मान लीजिएगा क्यू दिया गया है, तो आप क्या कहोगे टू की पावर थ्री क्रॉस फोर यानी कि ट्वेल्व। ठीक है, ये नंबर ऑफ रिलेशंस कराएंगे। तो कभी भी आपको नंबर ऑफ रिलेशंस बताना हो ए सेट टू सेट ए टू सेट बी में, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे टू की पावर पी और क्यू। अगर सेट के दिए गए एलिमेंट्स मतलब पहले सेट के एलिमेंट यानी पी और क्यू दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ इसके प्रैक्टिस सेट करेंगे और कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे, तो आपको मुझे लगता है और जल्दी समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है लेट एज इक्वल्स टू वन टू थ्री फोर और फोर्टीन तक आपको दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, डिफाइन द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय। अब देखिए यहाँ पर जो रिलेशन आर आपको दिया गया है वो ये दिया गया है। ठीक है, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, चलिए तो आपको रिलेशन बताना है, तो रिलेशन कैसे बताएंगे आप, मैं यहाँ पर आपके सीधे लिखूंगा, अब आपको समझ में आ गया होगा। x की वैल्यू आप 1 रखेंगे, x की वैल्यू अगर आपने 1 रखी तो y क्या मिलेगा 3 माइनस, देखिए x की वैल्यू अगर आपने 1 रखी और y की वैल्यू अगर आपने मान लीजिएगा 3 रखी तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। मतलब आपको रिलेशन बताना है कि 0 कब मिलेगा, मतलब सीधी सी बात समझिए, ये लिखा हुआ है 3x माइनस y इक्वल्स टू 0, तो आपको x जो है, ठीक है, वेयर x बिलोंग करेगा किस में a में और y भी बिलोंग करेगा a में, क्योंकि आपने किसके रिलेशन बनाए हैं a क्रॉस a पे बनाए हैं। ठीक है, तो आपको वो ऑर्डर्ड पेयर लेना है जो इस इक्वेशन को जीरो बना दे। ठीक है, तो यहाँ पर 1, 3 एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर होगा जिसको जीरो बना दे। ठीक है, बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसमें से। अब दूसरा हम क्या ले सकते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 2 ले लें और y की वैल्यू 6 ले लें तो 2, 6 एक ऐसा ऑर्डर पेयर होगा जो इस इक्वेशन को जीरो बनाएगा। फिर क्या ले सकते हैं, मान लीजिएगा मैंने 3 ले लिया, x की वैल्यू 3 ले ली तो y मुझे क्या लेना पड़ेगा 9 लेना पड़ेगा। फिर अगर मान लीजिएगा मैंने x की वैल्यू 4 ले ली तो y की वैल्यू मुझे क्या लेना पड़ेगा 12 लेना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए मैं x की वैल्यू 5 ले लेता हूँ तो y मुझे कितना चाहिए, क्योंकि 5 5 3 15, तो यहाँ पर 15 होगा नहीं, इसलिए सिर्फ यहाँ पर 4 ही ऑर्डर पेयर मिलेंगे। कितने मिलेंगे 4 ही ऑर्डर पेयर मिलेंगे। तो अब हम क्या कह सकते हैं, डोमेन डोमेन ऑफ R क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ठीक है, और रेंज क्या बोल सकते हैं, रेंज क्या बोल सकते हैं, ये हो जाएगा 3, 6, 9 और 12। क्लियर, ठीक है,
देखिए अभी मैं आपका कोडोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन क्या हो जाएगा, देखिए मैं लिख देता हूँ कोडोमेन ऑफ आर। तो यहां पर कोडोमेन बेटा हो जाएगा 1, 2, 3 से लेकर के 14 तक आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमको कहा गया है देखिए ए क्रॉस ए, हम जो भी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस ए। तो पहला वाला डोमेन और दूसरा वाला कोडोमेन, ठीक है, ओके। चलिए मैं इसको आपको एरो डायग्राम के द्वारा भी बता रहा हूं, ओके। अब शुरू करते हैं, मैं आपको एरो डायग्राम के द्वारा बताऊंगा। देखिए यहां पर जो हम रिलेशन दर्शाने वाले हैं वो सेट ए से सेट ए में बताएंगे। तो मैं आपको रिलेशन के बारे में बताऊंगा। देखिए यहां पर एलिमेंट लिखे हैं 1, 2, 3 और 4, ठीक है। और यहां पर मैंने कुछ एलिमेंट्स लिए हैं, ठीक है। कोडोमेन में तो 1 से लेकर 14 तक आएंगे, 1 से लेकर 14 तक आएंगे, लेकिन मैंने रिलेशन को दर्शाने के लिए आपसे एरो डायग्राम बना रहा हूं 9 और ये आएंगे 12, ठीक है। देखिए मैं आपको बाय एरो डायग्राम बताऊंगा कि ये कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए 1 का 3 के साथ में देख रहे हैं, 2 का 6 के साथ में है और 3 का 9 के साथ में है, जो रिलेशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, बाय एरो डायग्राम के द्वारा हम रिलेशन का विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ अ नेचुरल नंबर्स बाय आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, x is a natural number less than 4, ठीक है, x comma y belongs to n, ठीक है। आपको relationship using roster form बताना है, ठीक है। तो बस तो आप ये लिखते जाइए r is equals to, देखिए यहाँ पर आप x comma y जो pair उठाएंगे उसमें से आपने क्या कहा, x is a natural number, ठीक है। तो आप x क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, ठीक है, x 1 लेंगे। जब x की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो y क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है। दूसरा ऑर्डर पेयर आपने क्या लिया, दूसरे में आपने x की वैल्यू क्या ली, 2 ली। जब आपने x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखी तो यहाँ पर क्या मिलेगा, x, देखिए x बराबर आपने 1 रखा था तो y क्या मिला, 6। x बराबर आपने 2 रखा तो y क्या मिला, 7। तो y की वैल्यू 7 मिली। फिर x की वैल्यू आपने 3 रखी, x इक्वल टू आपने 3 रखा तो y क्या मिला, 8 मिला। तो देखिए y की वैल्यू 8 मिल गई। फिर आपने x की वैल्यू 4 आप रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते, क्या बोला गया, लेस देन 4, ठीक है। तो बस ये हमारे सिर्फ 3 ऑर्डर पर मिलेंगे। तो अब आपसे डोमेन कहा जाए तो डोमेन क्या हो जाएगा, 1, 2, 3। आपसे रेंज कहा जाए तो आप रेंज कह सकते हैं 6, 7 और 8, ठीक है। तो इस तरह से आप डोमेन, कोडोमेन और रेंज इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 5 एंड बी इज इक्वल टू 4, 6, 9, डिफाइन द रिलेशन आर ए टू बी, ठीक है, बाय आर इज इक्वल टू एक्स कमा वाई, द डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई इज ऑड, ठीक है। सो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, आपको ये बताना है। तो आप सिंपल सी बात है, कैसे लिखेंगे इसको, r इज इक्वल टू आपको ऐसे ऑर्डर पर उठाने हैं जिनका, देखिए सीधी सी बात है कि आपको x माइनस y यानी x माइनस y क्या मिले, ऑड मिले। तो ऐसे x y आपको लेना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए मैं अगर मान लीजिएगा 1 और 4 ले लूं, ठीक है, 1 और 4 ले लूं, ठीक है, 1, 4 ले लूं, ठीक है। तो 1 माइनस 4 करेंगे तो 3 क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा, ठीक है। और 1, 6 ले लेता हूं, आपको ए क्रॉस बी बनाना है, ठीक है ना। तो 1, 4 बनेगा, 1, 6 मिलेगा, 1, 9 मिलेगा, 2, 4 मिलेगा, 2, 6 मिलेगा, 2, 9 मिलेगा।
थ्री फोर मिलेगा, थ्री सिक्स मिलेगा, थ्री नाइन मिलेगा, फाइव फोर मिलेगा, फाइव सिक्स मिलेगा, फाइव नाइन मिलेगा, तो उनमें से हमें कुछ ऑर्डर पर उठाने हैं, ठीक है। फिर वन कॉमा नाइन ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हैं, तो आप टू टू वन से बनने वाले जो भी पेयर्स बनेंगे वो खत्म। अब टू से उठाएं तो टू कॉमा फोर नहीं ले सकते, टू कॉमा सिक्स नहीं ले सकते, तो अब टू कॉमा क्या लेना पड़ेगा? नाइन लेना पड़ेगा, ठीक है, टू के ऑर्डर पर खत्म। अब थ्री से उठाइए तो थ्री फोर, थ्री कॉमा अगर फोर करते हैं तो ठीक है ऑड मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। फिर थ्री कॉमा सिक्स करेंगे तो ऑर्डर पेयर बिल्कुल सही, ठीक है। फिर थ्री कॉमा नाइन करें, नहीं मिलेगा क्योंकि थ्री कॉमा नाइन से इवन मिलेगा, थ्री माइनस नाइन करेंगे तो माइनस सिक्स मिलेगा। अब फाइव से बनाइएगा तो फाइव कॉमा फोर करेंगे तो ऑर्डर तो ऑड मिलेगा। फिर फाइव कॉमा सिक्स करें तो भी ऑड मिलेगा। फिर फाइव कॉमा नाइन करेंगे तो इवन मिलेगा। तो ये आपके हो गए रिलेशन में जितने भी थे एलिमेंट्स वो क्या है मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ओके। आई होप आपको बहुत सारी चीजें अब इसमें समझ में आई होंगी, रोस्टर फॉर्म कैसे बनाएंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बनाएंगे, और डोमेन को डोमेन कैसे निकालेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको P और Q के बीच में एक रिलेशन बताना है सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में। तो नंबर फर्स्ट में मैं आपको रिलेशन लिख के बताऊंगा, नंबर फर्स्ट रिलेशन कैसे लिखेंगे आप देखिएगा। यहाँ पर मैं x, y सच दैट, अब देखो यहाँ पर 5 और 3, 6, 4, 7, 5, तो यार कुछ देख पा रहे हैं कि डिफरेंस है यहाँ पर, टू टू एलिमेंट्स का डिफरेंस है, मतलब पांच में से दो हटाए तो तीन, सिक्स में से टू माइनस किया तो फोर। तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो क्या है, जो रिलेशन है वो क्या है y, ठीक है, रिलेशन क्या दिया गया है y इक्वल्स टू x माइनस टू। तो आप लिख सकते हैं रिलेशन r इक्वल्स टू सच दैट y इक्वल्स टू x माइनस टू, ठीक है, x माइनस टू फॉर 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 x इक्वल्स टू फाइव सिक्स सेवन, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, क्लियर। आपसे रोस्टर फॉर्म में पूछा गया है, रोस्टर फॉर्म में जमा दीजिएगा इसी बात को, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में जमा दीजिएगा। तो रोस्टर फॉर्म में क्या क्या होगा आपके पास में, ये हो जाएगा फाइव थ्री, फिर फाइव सॉरी सिक्स फोर, फिर सेवन फाइव, ठीक है। डोमेन पूछी गई है, डोमेन लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा फाइव सिक्स सेवन। रेंज क्या होगी आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा थ्री फोर और फाइव। तो ये जो क्योंकि तो तीनों एलिमेंट, ठीक है, ये जो है ये पूरा आपको रेंज दिया गया है, जो एलिमेंट जिससे एसोसिएट होते हैं, ठीक है, वो डोमेन और कोडोमेन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है लेट एज इक्वल्स टू वन टू थ्री फोर सिक्स, लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए एंड बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, यानी कि बी को ए जो है वो क्या करे, कंप्लीटली डिवाइड करे, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड करे। तो आप रिलेशन बताइएगा, मैं यहां पर रिलेशन लिख रहा हूं, रिलेशन में क्या होना चाहिए, देखिए बी को ए कंप्लीटली डिवाइड करे, तो वन कॉमा टू ले सकते हैं, यानी टू को वन डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और देखिए वन कॉमा वन भी होगा, वन को वन तो डिवाइड करेगा, फिर वन कॉमा थ्री ले सकते हैं, फिर वन कॉमा फोर ले सकते हैं, फिर वन कॉमा सिक्स भी ले सकते हैं, वन के साथ बनने वाले जितने भी ऑर्डर पेयर थे वो हमने ले लिए। फिर इसी तरह से टू कॉमा टू ले सकते हैं, फिर टू कॉमा फोर ले सकते हैं, फिर टू कॉमा सिक्स ले सकते हैं, देखिए सिक्स को भी टू डिवाइड कर रहा है, फोर को भी टू डिवाइड कर रहा है, फिर थ्री कॉमा थ्री ले लेते हैं, ठीक है, फिर थ्री कॉमा थ्री के बाद थ्री कॉमा सिक्स ले लेते हैं, ठीक है, थ्री कॉमा थ्री के बाद थ्री कॉमा सिक्स ले लेते हैं, ओके। और देखिए फोर से बनने वाले कौन से होंगे, फोर कॉमा फोर होगा, ठीक है, इसके बाद में सिक्स
कॉमा 6 हो गया, ये लास्ट ऑर्डर पेयर हो गया। ठीक है, तब आपको क्या बताना था, इसमें डोमेन बताना है तो डोमेन बता दीजिएगा आप। ये हो जाएगा 1, 2, 4 और 6, ठीक है, और 3, ये भी लिखो, ये भी होगा, है ना। इसी तरह से रेंज क्या होगा, ये डोमेन बराबर है और ये रेंज बराबर है, तो रेंज क्या होगा देखिए, 1, 2, 4, ठीक है, 6 और 3, यही रेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, तो इस तरह से हमने रिलेशन को समझा। इसमें हमने ये देख सीखा कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे इसका, रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, एरो डायग्राम से, डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं। आई होप, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे फंक्शन डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आप इसकी और ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाएं, तो आपको रिलेशन बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।